ये तो ये स्कंध है, विरोध स्कंध है। इसमें प्रमाण प्रकरण है, चार अध्याय में जन्म और सात अध्याय में प्रमाण, ये प्रमाण प्रकरण है। अब प्रमाण प्रकरण में पांच छह सात और आठ, ये आठवां अध्याय माने प्रमाण प्रकरण में ये चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है, चार अध्याय जन्म प्रकरण के बीच में है, अभी तीन अध्याय और आगे आएंगे, ये सात अध्यायों का प्रमाण प्रकरण है। अब प्रमाण प्रकरण में एक अवांतर प्रकरण होता है ना, वो अवांतर प्रकरण क्या है, ये बात कही गई कि भगवान में जो अरुचि है उसकी कमी होती है कथा सुनने से, और विषयों की प्यास बुझती है और अंतःकरण शुद्ध होता है और भगवान की भक्ति मिलती है और भक्तों से मैत्री होती है। ये अवांतर प्रकरण में कथा श्रवण के पांच लाभ बताए हुए हैं, उनमें से ये अंतःकरण शुद्धि का तत्वंत शुद्धि भी अंतःकरण शुद्धि का अवांतर प्रकरण है। इस अवांतर प्रकरण में अब अंतःकरण शुद्धि कैसे हो ये बात आई ना, तो भगवान का नाम रूप ज्ञान भक्ति और महापुरुष की कृपा भाग्योदय, ये अवांतर प्रकरण में भी पांच प्रकरण, इसी से तो गिनती होती है ना, संधे अध्याय प्रकरणे संध अध्याय प्रकरण श्लोके वाक्य पदे अक्षर, सात प्रकार की संगति लगानी पड़ती है, संध की संगति, प्रकरण की संगति, अध्याय की संगति, लोक की संगति, वाक्य की संगति, पद की संगति और अक्षर की संगति, इनमें से एक भी बेकार नहीं जाना चाहिए, सबका अभिप्राय होना चाहिए। ये तो जो लोग भागवत का अभिप्राय समझने की कोशिश करते हैं उसके भीतर पैक करके, उनके लिए तो अब आठवां अध्याय प्रारंभ होता है। आठवें अध्याय में पहले नाम है, प्रपंच की विस्मृति के लिए और भगवान की आसक्ति को हृदय में जागृत करने के लिए नाम की आवश्यकता है। एक अदृश्य वस्तु में यदि अपना नाम ले जाना हो, केवल आस्त में जाएगा, क्या बोले आस्त नाम ले, तस्वीर देखते हैं कृष्ण की तो हमारा मन जाएगा, जब पहले मालूम होगा कि ये कृष्ण की तस्वीर है तब में जाएगा, माने आपके सामने कृष्ण की मूर्ति हो और आप कहो कि हम आस्त से मूर्ति देखेंगे और मन लगा देंगे, तो वो मूर्ति कृष्ण की है ये आपको मालूम रहना चाहिए कि नहीं, माने इस मूर्ति का नाम कृष्ण है ये मालूम होना चाहिए। तो केवल मूर्ति देख के भी मन नहीं लगेगा और प्रसाद खा के भी मन नहीं लगेगा, क्यों, बोले मालूम होना चाहिए कृष्ण का प्रसाद है, नाम के बिना तो काम नहीं चलेगा, तो ये कृष्ण के चरणारविंद की गंध है, ये कृष्ण का स्पर्श है, नाम के बिना तो अज्ञात वस्तु का ज्ञान होता ही नहीं है, इसलिए सबसे पहले नाम। आप चाहो कि हम परमार्थ को परमात्मा को प्राप्त करें और उसका कोई नाम न रखें, आपको मालूम होना चाहिए कि बौद्ध लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं परंतु ओम मणिपद्मे होम का जप करते हैं, मालूम होना चाहिए बोला, जैन लोग अपने अब तीर्थंकर को ही मानते हैं तो भी एक नहीं 24 तीर्थंकर महापुरुष, बहुत बढ़िया,
परंतु ओम नमो हरिहंतानम है और वे लोग भी जप करते हैं, बोला सिखों की भी माला होती है, ईसाइयों की भी माला होती है, मुसलमानों की भी माला होती है निराकार और तस्बीह। तो आप एक अज्ञात ईश्वर के मार्ग में चलना चाहें और उससे अपने दिल की कड़ी जोड़ने के लिए शब्द का आश्रय न लें, ऐसा होना शक्य नहीं है। बोला आप व्याख्यान सुन के किसी सभा में व्याख्यान सुन लें कि ईश्वर का तो नाम ही नहीं है, है? और नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, और वहां ताली भी पीते आवे और हंसी भी नाम की हंसी भी उड़ाए आवे, लेकिन आपका ईश्वर के साथ संबंध टूट जाएगा यदि ईश्वर का नाम आपके जीवन के साथ नहीं जुड़ेगा। तो सीताराम, क्या आपको ईश्वर के मार्ग में चलना है तो बाधा ही तो है, छोड़ने में प्रेम नहीं होता, बांधना है, ज्ञान में छोड़ना है, ज्ञान में मुक्ति और प्रेम में बंधन। नामानी दामानी से भगवान के नाम जो है वो दाम है, दाम माने रस्सी है। भगवान के साथ अपने जीवन को बांधने के लिए, भगवान के साथ अपने जीवन को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत है, और रस्सी क्या है? भगवान का नाम। सबसे नामानी दामानी से। अच्छा अब आओ, नाम की महिमा सुनाने लग जाएंगे तो व्याख्यान लंबा हो जाएगा, ये तो आपको जरूरत सुनाएगी। अच्छा, सबसे अधिक वेदांती निराकार निर्गुण निर्विशेष निर्धर्मक ब्रह्मात्मैक्यवादी शंकर संप्रदाय के सन्यासी हैं। अब देखो, दूसरे संप्रदाय वाले तो भले हमको कह दें हैं कि ये वैष्णव धर्म को क्या जाने, ऐसे बोल देंगे भाई कि ये भला वैष्णव सिद्धांत क्या जाने, उनकी बात फिर आंखों पर। लेकिन अब शंकर संप्रदाय के बारे में हमको कोई जाने कि ये संप्रदाय की बात नहीं जानते, ऐसा कोई कहे तो बिल्कुल गलत कहेगा, क्योंकि शंकर संप्रदाय में तो हमने विधिवत दीक्षा ग्रहण करके उनके भीतर जो बैठी हुई चीज है ना, वो देखी है, जानी है, अनुभव की है ना। तो बोले भाई, शंकर संप्रदाय में नाम का क्या महत्व है? तो जिस दिन संन्यास ग्रहण करते हैं उस दिन तत्वमस्यादि महावाक्य के द्वारा तो ब्रह्म का उपदेश करते हैं, ये जप का मंत्र नहीं है। आपको जानना चाहिए कि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अहम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सन्यासी संप्रदाय में जप का मंत्र नहीं है। जप का मंत्र है प्रणव हो सन्यासी संप्रदाय में, और जिस दिन सन्यास देते हैं देखो खुले आम बात बोल रहे हैं, छिपाने की कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि आप लोगों में से कोई सन्यासी का मंत्र जपना जल्दी पसंद नहीं करेंगे, कपड़े लत्ते छोड़ के दोनों हाथ ऊपर उठा नंगे होकर चलना पड़ता है। इसी से जब दुनिया की कोई चीज छूटती है ना तो हम लोग कैसे सोचते हैं। तो देखो भाई, हमें अगर तुम पकड़ना सिखाना चाहो तो सिखाओ, और छोड़ने की बात अगर करते हो तो हम तो छोड़ चुके हैं। जब लंगोटी छोड़ दी, जनेऊ छोड़ दिया, चोटी छोड़ दी, तो आपके नंगा होके उत्तर दिशा में चले, अब हमको छोड़ने की विद्या मत सिखाओ। वो तो हमारी सत्र सत्वराज काम भूर हुआ अथवा हमारा थोड़ा हुआ है। तो ये जो प्रणव है इसका सन्यासी 12,000 प्रतिदिन जप करे, ये शास्त्र में विधान है।
ये इसलिए बताया कि नाम बौद्ध संप्रदाय में, जैन संप्रदाय में, सन्यासी संप्रदाय में ऐसा कोई ईश्वर की प्राप्ति वाला आध्यात्मिक संप्रदाय नहीं है जिसमें नाम की महिमा ना हो। कबीर, साधु, रैदास, चरणदास, मीरा, ये जो मध्यकाल के संत हैं, उनके यहाँ भी है स्वभाव भगवान का नाम रखने चलते हैं। तो प्रश्न ये आया कि देखो नाम के बिना आखिर प्रमाण प्रकरण पूरा भी कैसे होगा, नाम तो चाहिए ना। दूसरी बात ये देख कि पहले भगवान ने अपने मुख में दिखाया विश्व, तो रूप प्रकट हो गया ना, तो रूप प्रकट होने पर नाम तो रखना ही पड़ेगा। नाम और रूप दोनों एक साथ ही रहते हैं, अलग अलग तो रहते नहीं। नाम रूप दो ही से उपाधि, तो मैया को पहले भगवान ने मुंह में अपना रूप दिखाया और नाम रखा गया, ये एक संगति हुई। अब जरा देखो भिन्न भिन्न आचार्यों की बात। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि वसुदेव का जो आदिदैविक रूप है वो नंद बाबा के अंदर प्रकट। तो एक तो नंद बाबा अपने पुत्र के रूप में जानते हैं और दूसरे वसुदेव जैसे कृष्ण को जानते हैं वैसा भी जानते हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। तो बोले कि बरसों तक कृष्ण का नाम ही नहीं रखा गया, उन्होंने उपेक्षा कर दी कि जब भगवान की इच्छा होगी। भगवान की ऐसी इच्छा कि मथुरा छोड़ करके गोकुल में आ गए और गोकुल में रह रहे हैं, तो जब उनकी इच्छा होगी तब नाम रखा जाएगा। क्या जल्दी है, मारवाड़ियों में बरसों तक नाम कभी नहीं रखते हैं, गीगा बोलते हैं, गीगा बोलते हैं, अब नहीं बोलते हैं, अब तो गीगा नहीं बोलते हैं, अब तो बाबा बोलते हैं, है ना। तो बंगालियों में बरसों तक खोखा बोलते हैं, खोखा। पंजाबियों में बरसों तक काका बोलते हैं, बच्चे को काका बोलते हैं। हम लोगों के गांव में बरसों तक बचवा बोलते हैं, है ना, बचवा। कोई मुन्ना बोलते हैं, प्यार का नाम होता है ना मुन्ना। तो बोले ब्रजभाषियों ने कहा कि हमें नाम रखने की कोई जल्दी नहीं है, नाम रखने पर ग्रह का असर पड़ने लगेगा, आप बिना नाम ही के रखें। अच्छा वैसे एक बात आप लोगों को फायदे की बताता हूं। 14 वर्ष की उम्र तक बच्चे पर ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात शास्त्र में लिखी हुई है। इसलिए बच्चे की बीमारी देख के उसको ग्रह का असर समझ के डरना नहीं चाहिए, है ना। कि 14 बरस होने तक किसी बच्चे पर नजर नहीं डालना हो, ये कथा शिव पुराण में है। अच्छा आओ अब सीताराम आगे की बात सुनाते हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जान बूझ करके नाम मत रखो, ऐसे बरसों बीत गए। इसमें भी एक स्नेह था, एक प्रेम था लोगों में जाहिर था। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब सूतना आ गई ना, नंदोत्सव हुआ और छठे दिन आ गई सूतना, तो सूतना के उद्धार की बात जब सुखदेव जी ने सुनाई तो उन्हें 10वें दिन की लीला नामकरण का वर्णन करना था, परंतु बीच में प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित ने, जिन जेना अवतारेणा। तब उन्होंने शकटासुर के उद्धार की लीला का वर्णन किया और उसी प्रसंग में तृणावर्त की लीला का वर्णन कर दिया और उसी प्रसंग में विश्वरूप दर्शन की लीला का वर्णन कर दिया। नामकरण हुआ तो था पहले, लेकिन असुरोद्धार का वर्णन करने के आदेश में जिस वस्तु का वर्णन पहले करना चाहिए था उसका पहले नहीं किया गया, तो यहाँ क्रम भंग तो हो गया,
परंतु अर्थ भंग नहीं हुआ। तो क्रम की अपेक्षा अर्थ जो है वो बलवान होता है, इसलिए भले वर्णन पहले नहीं किया गया लेकिन समझना यही कि नामकरण संस्कार समय पर ही हो गया था, ऐसा श्री जीव गोस्वामी का अभिप्राय ऐसा है। श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जब से ये पूतना सकता सूर प्रणा वर्त मुंह में विश्वरूप ये सब एक ही कक्षा में डाल दिया श्रीधर स्वामी, बोले ये सब वात्सल्य स्नेह वालों के लिए उपद्रव है, सकटासुर भी उपद्रव, तृणावर्त भी उपद्रव, अपने लाला के मुंह में ये सब गड़बड़ झाला का दिखना भी उपद्रव है। तो इससे ब्रजवासी घबरा गए, तो भगवान ने सोचा कि भाई ये कहीं डर के बहुत कुछ ही न हो जाए, अपने प्रेमी की तकलीफ भी तो अपनी तकलीफ है ना, तो कोई ऐसा उपाय करो कि किसी बड़े आदमी को इनके पास बुला लो और वो इनको समझा बुझा के इनकी तकलीफ दूर कर दे, इनको समझावे कि ये तुम्हारा बालक मामूली नहीं है, इसकी किसी प्रकार हानि नहीं हो सकती। तब भगवान ने गर्गाचार्य को अपनी ओर आकर्षित किया कि वो इसके दुख को दूर करें, ये श्रीधर स्वामी का अभिप्राय है। अब एक महात्मा कहते हैं कि देखो बाप कैसे भी कष्ट में पड़ा हो लेकिन अपने बच्चे की याद तो उसको आती है, तो पशुदेव बड़े संकट करते, बड़े दुखी थे, साथ साथ बच्चे जिससे आठ आठ बच्चे मर जाएं और खो जाएं उसके दुख का कोई अंत थोड़ी है, लेकिन इतने दुख में पड़े हुए भी वसुदेव श्री कृष्ण की चिंता में मग्न है कि उनके संस्कार होने चाहिए, ये माँ बाप जो है इनकी प्रीति अपने बच्चों के प्रति होती ही है। तो ये बात बताने के लिए वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को भेजा। अब देखो गर्गाचार्य की भी थोड़ी बात खराब है। श्री सुखवाच गर्ग पुरोहित राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः संदृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः आनर्चाधोक्षदिया प्रणिपात पुरःसरम्। गर्ग पुरोहितो राजन, गर्ग तो आपने शायद सुना हो न सुना हो, ये बृहस्पति के वंश में भरद्वाज हुए और भरद्वाज की ही वंश परंपरा में फिर गर्गाचार्य का जन्म हुआ। बोले ये बताने से क्या फायदा है, तो फायदा तो ये है जब बड़ी समझने की चेष्टा करें। देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति है ना, तो देवता ही सब के सब जदुवंश में पैदा हुए, तो जदुवंश का गुरु भी बृहस्पति के वंश का ही होना चाहिए ना, इसलिए बृहस्पति वंश की परंपरा को जानबूझ करके बनाए रखा गया है। अब गर्गाचार्य ने शंकर भगवान की आराधना की तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले गर्ग तुमको हम ज्योतिष की 64 कला देते हैं, ज्योतिष शास्त्र जो ज्योतिष हमारे पाणिनीय व्याकरण के अनुसार तो ज्योतिषम शब्द होता है, ज्योतिष ज्योति का प्रतिष्ठित होने पर ज्योतिष हो जाता है, ज्योतिष पद्धते श्रद्धा मारे पब्लिक में, जैसे ये कोई बोलते हैं ना काम वैधानिक तो गलत शब्द हो गया, वो वैधानिक चाहिए, जब विधान से सब्जित प्रत्यय होगा तब संवैधानिक या काम वैधानिक दोनों बनेगा,
लेकिन वही जरूर रहेगा, वही को ही रखने वाला कोई कायदा नहीं है, संवैधानिक है। आजकल तो अखबारों में ऐसे ऐसे शब्द करते हैं, देख के आश्चर्य होता है। हाँ, अब देखो ये सक्षम शब्द है ना, सब लोग प्रयोग करते हैं। ये तो सक्षम का अर्थ होता है क्षमा सहित, और क्षमता में जो क्षम है ना, क्षमता इनके अंदर, ये क्षमता है, ये सामर्थ्य है, उस क्षम के साथ का लगाने की जरूरत नहीं है। कार्यक्षम कार्यक्षम कर्तुम क्षम, उत्थातुम क्षम उत्थापयितुम क्षम गंतुम क्षम। हनुमान नाटक में एक श्लोक आता है, देव श्री रघुनाथ जिन बहुत दासोस्मी ते लक्ष्मण, जनक के भगवत गद्य में बोलते हैं लक्ष्मण, देव श्री रघुनाथ जिन बहुतया दासोस्मी ते लक्ष्मण, मोरवादी नदी भूधरा नगणे जीवन बिना कस्यां। हम पहाड़ को तो किसी गिनती में रखते नहीं, इस धनुष में क्या रखा हो। तन्मादिश मुझे आज्ञा करो, पश्य पश्य बलम वृत्य से यत कौतुकम, क्रोधर्तुम प्रतिनामितुम प्रचलितुम नेतुम निहंतुम क्षम। सक्षम नहीं, नेतुम निहंतुम क्षम। और सक्षम का अर्थ होगा क्षमा करने में समर्थ। ऐसे हिंदी में कितने शब्द इस ढंग के चलते हैं। तो भाव आपको जैसे संवैधानिक शब्द होता है में, तो ये क्या बात पर ये शब्द चर्चा चल गई, वो तो कई दूर। अब देखो गर्ग की बात, तो बृहस्पति के वंश में गर्गाचार ज्योतिषम हो, ज्योतिषम पांगे जाते, पर जैन व्याकरण के अनुसार हेमचंद्र ने अपने व्याकरण में ज्योतिषम शब्द ज्योतिषम सिद्ध किया है। जैन व्याकरण में ज्योतिष शब्द चलता है, और हिंदू व्याकरण में मैंने ये सनातन धर्मी व्याकरण में पाणिनीय आदि व्याकरण में, पाणिनीय व्याकरण को भी जैन लोग उन लोगों ने व्याख्या करके इस पर काशिका पर जैनों की वृद्धि है। व्याकरण तो एक तरीके ही है, और हेमचंद्र ने ज्योतिष शब्द लिया। ये तो आपको ये सुनाते हैं कि गर्गाचार्य को ज्योतिष शास्त्र की 64 कला भगवान शंकर ने दी। गर्गाचार्य हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज आप इतनी 64 कला देते हो, ये सब बेकार, हमको भगवान की भक्ति दे दो, हम कहां लोगों को ग्रह नक्षत्र बताते फिरेंगे, नक्षत्र सूची ग्रह सूची कहां बताते फिरेंगे। तो शंकर भगवान ने कहा कि अच्छा, जब नंद बाबा के घर में भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव होगा है, उसके बाद जा करके तुम श्री कृष्ण का नामकरण करना और उनका ज्योतिष बताना, उनका ज्योतिष बताना, तब गर्गाचार्य को संतोष हुआ हो। तो देखो, देवताओं के गुरु बृहस्पति और देवताओं के अवतार जदुवंशियों के गुरु बृहस्पति वंश के गर्गाचार्य, और शंकर की कृपा से इन्होंने ज्योतिष प्राप्त किया। तो देवता की कृपा से जो ज्योतिष प्राप्त होता है वो ईश्वर के काम, वो भगवान के अवतार के काम आता है, और जो महाराज भूत प्रेत जिंद इनकी कृपा से जो ज्योतिष प्राप्त होता है, वो लोगों को ठगने के काम आता है। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, गर्ग ये गुर्गी धातु है, इससे गर्गति इसे गर्गा, जो शब्द के द्वारा भगवान का दर्शन करावे इसका नाम होता है गर्ग। गगरी शब्द है ना, गगरी हिंदी का स्थान गगरी जिसमें रखते हैं, तो ये संस्कृत में गरगरी है, वो जो गरगरा है तो गरगरी, तो गरगरा है तो गरगरी शब्द की बात आ गई ध्यान में। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, ये पुरोहित है, अग्नि नीले पुरोहितम,
पुरोहित का क्या अर्थ होता है कि जो अपने यजमान का पहले से कल्याण सोचे, ये हम सड़कों पर देखते हैं, हम मराठी भाषा में कुंभे कुंभे लिखा रहता है, कुंभे पुरस्ताप आगे, ये पुरस्ताप पूरा शब्द है संस्कृत का, जो पूरा है ना उसी को इन लोगों ने कुंभे कर लिया है। तो नारायण जो अपने यजमान के हित अहित के बारे में पहले से विचार करे उसका नाम होता है पुरोहित। पुरो माने पहले और हित माने भलाई। जो अपने यजमान की पहले से भलाई सोचे तो पुरोहित भीले पुरोहितम, स्वर्ग देता है अग्नि जो है ना वो आगे कल्याण करता है, धर्मोत्पादन द्वारा अग्नि जो है वो कल्याण करता है, इसलिए तो अग्नि को भी पुरोहित कहते हैं। अब एक दूसरी बात बताते हैं कि पुरोहित को कैसा होना चाहिए, कि आपके काम की बात तो नहीं है क्योंकि आपको पुरोहिती नहीं करनी है, लेकिन शायद कोई यहाँ पुरोहित हो तो उनके ध्यान में बात आनी चाहिए। पुरोहित को यजमान के साथ बिल्कुल मिल नहीं जाना चाहिए। यजमान के घर में जो खाना हो कोई खाने लगे, जो पीना हो तो पीने लगे, यजमान जुआ खेले तो पुरोहित जुआ खेलने लगे। अगर पुरोहित अपने को यजमान के साथ मिला देगा, आचार में विचार में अनाचार में भ्रष्टाचार में बेईमानी में जुआ में मिला देगा, तो अपने यजमान को कुछ भी सलाह नहीं दे सकेगा। इसलिए यजमान भोगी हो तब भी पुरोहित को तपस्वी होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे एक सज्जन के बारे में आता है कि वो अपने यजमानों के यहाँ गए हो, नारायण सिंगापुर गए, हांगकांग गए, अपने यजमानों के घर में गए तो यहाँ तो खान पान उनका ठीक था, पर जब वहाँ गए तो उन लोगों के साथ मिला करके किए तो विदेश एकदम मिल गए। अब मिल गए तो लौटने के बाद उनके यजमान कहने लगे कि महाराज जैसे हम हो जैसे तुम, क्या फर्क है हमारे। खिलाने के समय तो आग्रह कर करके खिलाया, मांस खिला दिया, लेकिन जब खा के पुरोहित जी आ गए तब बोले कि जैसे हम वैसे तो। तो कोई न कोई विशेष बात पुरोहित में रहनी चाहिए, सुमहा तपाह, यजमान भोगी हो तब भी पुरोहित को तपस्वी रहना चाहिए, क्योंकि तपस्या के बिना उसके प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी, तब उसके बताए हुए धर्म का पालन नहीं करेंगे, वो कहेंगे पुरोहित जी भी स्वार्थवश धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अरे भाई पुरोहित जब 100 रुपए की चीज पहले आग में डलवा लेता है तब 10 रुपया लेता है, क्या समझते हो ये कोई मामूली बात हो रही है। तो इससे मालूम पड़ता है ना कि लेना होता तो 110 ले लेता, तो सही क्यों लिया, 5 ही क्यों लिया, 56 भोग चढ़वाया देवता को और अपने 2 रुपए में संतुष्ट हो गया। तो तपस्वी होना चाहिए। ब्रजन जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता, वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य ब्रज में आए। अब थोड़ी देर को नंद बाबा की स्थिति, तम दृष्ट्वा परम प्रीतः, अपने कृष्ण को देख देख करके, अपने कन्हैया लाल को देख देख करके नंद बाबा खूब प्रसन्न होते थे, हर समय प्रसन्न रहते थे, परंतु जब गर्गाचार्य आए ना तो परम प्रीत हो गए, परमानंद हुआ। परमात्मा के दर्शन में प्रीति है और महात्मा के दर्शन में परम प्रीति है, ये बात है, क्योंकि परमात्मा हृदय में दिखता है और महात्मा तो आंख से दिखता है। और गीता में तो ऐसे लिखा है हो कि भगवान सुलभ है महात्मा दुर्लभ, अब पढ़ लेना गीता में बात मिल जाए, वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभा, वासुदेव तो सब है लेकिन महात्मा दुर्लभ है। अच्छा तो इसके बाद देखो प्रत्युत्था पुष्ट खड़े हो गए, ये हमारी भारतीय पद्धति है, वो चल के आया और तुम अपनी जगह पर खड़े भी ना हो, पांव पसारे बैठे रहो,
आने वाला चल के आया और तुम बैठे हो और उसके हाथ से कृतांजलि। ये भी एक शिष्टाचार की बात है। तो प्रत्युत्थान का अर्थ क्या होता है? प्रत्युत्थाय कृतांजलि। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि जब अपने से बड़ा कोई आता है तो चाहे हम उठे चाहे न उठे हमारे प्राण उठ के खड़े हो जाते हैं। तो यदि हम स्वयं उठ के खड़े हो जाएं तो वो प्राण हमारे शरीर में आके फिर बैठ जाते हैं और नहीं तो चले जाते हैं। ऐसे लिखा है उसका अभिप्राय। तो फिर धर्म की भाषा तो हम लोग समझते हैं कि कोई नहीं उठे तो मरता तो है नहीं, कोई न उठे बड़े आदमी के आने पर भी कोई न उठे तो कोई मरता तो है नहीं, ये तो हम जानते हैं। और ये बात मनु जी को भी मालूम रही होगी, ये तो आप भी समझ सकते हैं। ऊर्ध्वम प्राणा उत्क्रामंती यूनस अजिर आयती प्रत्युत्थाना विवादाभ्याम पुनस्तत् प्रतिपत्तान पुनस्तान प्रतिपद्यते। तो ये है कि जो अपने को शिक्षा देने वाले और अपने बड़े को देख करके भी उठके खड़ा नहीं होता है वो आलसी है जरूर, और उसमें आलस्य की वृद्धि होगी। तो कर्म करने की जो शक्ति है उसकी वो दिनों दिन क्षीण हो जाएगी। इसी बात की सूचना मिलती है कि जहाँ उठना कर्तव्य है वहाँ भी कर्तव्य बुद्धि से वो प्रत्युत्थान नहीं करता है, तो दूसरी जगह भी जहाँ कर्तव्य होगा वहाँ वो अपने कर्तव्य पालन से चुप हो जाएगा। तुम्हारी आंख को रोशनी देने वाला सूर्य रोज प्रातः काल आता है, हैं? और तुम उसके सामने खड़े होकर के एक बार हाथ भी नहीं जोड़ लेते। तो जो रोशनी देने वाले सूर्य को हाथ नहीं जोड़ता, जो ज्ञान देने वाले गुरु के सामने प्रत्युत्थान नहीं करता, उसके अंदर कर्म की शक्ति का लोप हो जाएगा। क्योंकि वो प्रकाश का अनादर करता है, वो कर्तव्य का अनादर करता है। ये मनुस्मृति की बात है। उसके खड़े हो गए तो देखो, एक तो हृदय में है प्रीति और शरीर से है प्रत्युत्थान। और अंजलि बांधने का क्या अर्थ है? हमारे हाथ जोड़ने का अर्थ ये है कि आपकी आज्ञा के अनुसार काम करने के लिए हमारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। जिस समय हम आपकी आज्ञा करने के लिए हमारे दोनों हाथ काले हैं। सिर झुकाने का अर्थ है कि हमारा सिर हमारी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि से छोटी है, तुम्हारी बुद्धि के पीछे चलेगी। और लौट जाने का मतलब क्या है कि हम अपना जीवन अर्पण करते हैं, मतलब हमारा संपूर्ण जीवन आपकी आज्ञा के अनुसार चलेगा। ये आपको बताया भाव। और भी जितनी मुद्राएं होती हैं ना, जितनी ये प्रणाम की मुद्रा ही तो है ना, हाथ जोड़ना मुद्रा है, सिर झुकाना मुद्रा है, पांव छूना मुद्रा है। पांव छूते हैं कि महाराज पांव छूने का दाएं हाथ से दाएं और बाएं हाथ से बाएं और उतान करते हैं। ऐसे नहीं, हाथ पट करके नहीं हो, पट करके नहीं, चित करके। तो उत्थान हाथ, उत्थान पाणिना, मनु जी ने लिखा उत्थान पाणिना, प्रणाम करना चाहिए। आजकल के बाबू लोगों की शिक्षा दीक्षा में तो ये बात है नहीं, है ना? इसलिए मैंने जानबूझ के हो ऐसा होता है। और पांव के नीचे से शक्ति को लेना। न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः, महिमा स्तोत्र में आया, बड़ों के सामने सिर झुकाने से झुकना नहीं होता, उठना होता है। बड़ों के सामने सिर की अवनति सर्वविध उन्नति का हेतु है, ये उसका अर्थ है। कहीं कहीं झुकने से भी बात बनती है, जो ज्यादा कठोर होता है वो टूट जाता है। एक महात्मा मरने लगे तो उनसे लोगों ने पूछा कि महाराज हमको कोई अपने अनुभव की बात सुना जाए। वृद्ध से 100 बरस के महात्मा से मरने लगे, तब उनसे लोगों ने अनुभव पूछा। तो बोले कि तुम क्या देखते हो, हमारे मुंह में दांत हैं कि नहीं,
बोले नहीं महाराज टूट गए। बोले जीव है कि नहीं? बोले जीव तो है, सभी तो बोलते हैं। तो बोले कि देखो जो कठोर होता है वो टूट जाता है और जो कोमल होता है वो बना रहता है। ये हमारे जीवन का ये अनुभव है कि जब कठोर होगे तो टूट जाओगे और नरम रहोगे कोमल रहोगे तो बने रहोगे। अपनी आदत नहीं बिगाड़नी चाहिए। आनर चाधो क्षज धिया प्रणिता तपुरस्करम। नंद बाबा कोई दुबले पतले नहीं थे, तगड़े थे, ग्वाले थे। हो ग्वाले थे, हट्टे कट्टे, कोई शहर के कोई सिंकिया पहलवान नहीं थे। वो स्लिम कल्चर को मानने वाले नहीं थे, गई थे दुबले पतले। प्रणाम किया, प्रणाम करके अधोक्षज दिया आनर्च। बोले कि साक्षात भगवान आए हमारे घर में, आज हमारे भाग जागे, संत आए था, आज हमारे घर में संत आए, संत भगवान। देखो पत्थर की बनी मूर्ति हो तो उसमें आप भगवान की पूजा कर लेते हो कि नहीं? और ये जो रास लीला होती है हम जानते हैं, किसका तो ये देता है ये भी मालूम है, कितनी तनख्वाह लेता है ये भी मालूम होता है, और कितना दुष्चरित्र है ये भी हमको मालूम होता है। बोला हम तो वृंदावन में रहते हैं, तो उनकी अच्छाई बुराई सब मालूम होती है, झगड़ा होता है, शिकायत होती है, पंचायत करनी पड़ती है, एक मंडली में से दूसरी मंडली में चले जाते हैं, सब होता रहता है। तो उनको भगवान मानते हैं, और जिसने अपने हृदय में अपने आत्मा के रूप में अपने इष्ट देव के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार किया वो कोई छोटी विभूति है, उसमें भगवान की पूजा नहीं हो सकती। ये बुद्धि की दरिद्रता है, वो कंगाल है बुद्धि। आनर चाधो क्षजिया, आनंद बाबा ने कहा आज तो हमारे घर में भगवान पधारे हैं। उनकी आनर्च, आनर्च माने अर्चना की हो, पूजा की। पूजा करने का अर्थ भी आजकल बताना पड़ता है कि पूजा क्या होती है। तो पहले कोई पैदल चल के आता था ना, तो उसके पांव वहां पर धूल लगी होती, आजकल तो भाई जूता पहन के मच मच करते हुए चलते हैं। तो हमने हजारों से अपने पांव धुलवाए होंगे। बोला जब हम गांव में जाते थे, लोग आते थे, वो बचपन की आदत पड़ी है। हमने तो जयदयाल जी से कह दिया कि बाबा हमारे तो बचपन का अभ्यास है, लोग हमारा पांव धो के ले जाते। तो देखो पांव की पूजा क्यों होती है, एक बात भी आपको सुनाते हैं। हम धर्म के व्याख्याता हैं, कर्म के रहस्य को, उसके मर्म को जानते हैं। संसार में जितनी गति होती है वो पांव से होती है। चलना जितना होता है ना, आगे बढ़ो चाहे पीछे हो, गति का निवास पाद में है, और उसका देवता है विष्णु। विष्णु माने व्यापक। अगर अवकाश न मिले तो आप चल के कहां जाएंगे? अवकाश मिलता है तभी ना आप आगे बढ़ते हैं। तो विष्णु माने व्यापक तो है देवता, और गति रहती है पांव में, तो पांव में निवास करता है विष्णु देवता, पाद का अधिदेवता। जिस हाथ का देवता इंद्र है, तो यज्ञ में हवन होता है ना, इंद्राय स्वाहा, हाथ से होता है, और विष्णु अधिदेवता है पांव का, वो तो पांव में उसकी पूजा होती है। तो चरण का प्रक्षालन, और पृथ्वी का अंश गंध, जल का अंश रस, अग्नि का अंश आरती में रूप गुला फूल सौंदर्य, वायु का अंश स्पर्श, आकाश का अंश घंटी की ध्वनि, ये सब पूजा में लगते हैं। ये पांचों जो तत्व हैं इनका सार सार पूजा में लगाया जाता है, ये पूजा का अभिप्राय होता है। माने ये पांचों तत्व, पृथ्वी की गंध और जल का छींटा और जल का बना हुआ स्वाद, और अग्नि से रूप सौंदर्य और आरती आदि, और वायु से पंखा झलना और मधुर स्पर्श देना,
और आकाश से स्तुति करना बोल करके और घंटी बजाना, ये पूजा में आता है। ये पांचों के पांच हैं। मन से भावना होती है और बुद्धि से विचार होता है और आत्मा से देवता के साथ एकता होती है, ये पूजा की पद्धति है। शंकराचार्य भगवान ने परा पूजा नाम की पुस्तक लिखी है, बोला उस पुस्तक का नाम है परा पूजा। तो उन्होंने गर्गाचार्य की पूजा की आनंद। अच्छा, अब ये नहीं कि फिर प्रश्न ही कर, पूजा में खिलाना भी होता है, पूजा में खिलाना भी होता है, ये नहीं कि सुखी पूजा। हाँ, बोले आरती उठा के है ना, ऐसे ढंग से घुमाते हैं कि अगर मूछ वाला महात्मा होए तो उसके मूछ तक तो लग जाए, इतने पास तक ले जाते हैं, हमको हट जाना पड़ता है कभी कभी, लोग आरती वाले तो हम डर के पीछे हट जाते हैं कि कहीं ये लग न जाए, बोला ऐसे। आप तो हंसी की बात नहीं करते हैं। देखो, नंद बाबा ने गर्गाचार्य की पूजा की, अधोत्कच दिया, साक्षात भगवान हमारे घर में आए हैं। तो सुपविष्टम कृतादित्यम गिरा सू, तो आरती की बात इसलिए की कि आरती करते हैं ना, तो बोलते हैं तन मन धन सब गुरु चरण अर्पण कीजिए, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने सुना तो है सैकड़ों का, लेकिन ये सब झूठे होते हैं बोलने वाले। अच्छा, तो अब समझो कि आप आरती कर रहे हो और हमारा ध्यान उस बात पर चला जाए तो हमको कितनी हंसी भीतर ही भीतर आती होगी कि देखो ये सुपविष्टम। ऐसी ये नहीं कि पूजा की और महाराज कुछ तत्व की बात बताओ, कुछ चेतावनी बताओ। सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुनृतया मुनिम नंदयित्वा अब्रवीत ब्राह्मण पूर्णस्य करवामतिम। जब खा पी चुके कृतातिथ्यम और भली भांति बैठ गए, तब बड़ी मीठी आवाज में, ये भी एक बोलने का भी एक ढंग है, बोलने से पहले आदमी को सोच लेना चाहिए कि ये हम क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, अगर ये बात हम न बोले तो हमारा नुकसान होगा कि इनका नुकसान होगा, बोले किसी का नहीं होगा, तो तब उसको बच जाने दो, बोलने की क्या जरूरत है। जो बात बोले बिना किसी की हानि होती हो अपनी या पराय की, तो वो बात बोलो। जीवन मुक्ति विवेक में है तो विद्यारण्य स्वामी ने लिखा है कि जैसे गाय बैल जरूरत पड़ने पर कभी कभी बोलते हैं, ऐसे जब मनुष्य को बड़ी जरूरत हो तब बोलना चाहिए। ये बताने के लिए कि हम भी ये जानते हैं, इसके बारे में हम भी पंडित हैं। एक दिन कोई चीज बात की हो रही थी, तो एक सज्जन बोले कि वो न्यूयॉर्क में सड़क है, वो पहले अमुक मकान से ऐसे घूमती है, फिर दाहिने जाती है, फिर बाएं जाती है, फिर सीधे चलती है, बड़ी भारी सड़क है। और उनसे पूछा कि कभी तुम अमेरिका गए हो, वो इतने गया नहीं हो, मैंने पढ़ा है। तो भाई तुम उस शहर के बारे में इतनी जानकारी रखते हो, ये जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें अपना पांडित्य क्या दिखाना। तो बोलना तो सब, कुछ मधुर उगलना हो, कड़वा उगलना हो तो नहीं बोलना, बोला ये मनुष्य समाज के कान में कड़वाहट नहीं भरना, उसमें कुछ मिठास डालना। तो सुमृ माने सच्ची भी हो और मीठी भी हो, ऐसी वाणी नंद बाबा ने गर्गाचार्य से कही। और क्या बोले, देखो पहले ही मनुष्य के मन में ये प्रश्न आता है, बाबा जी शहर में कैसे आए, कुछ चंदा करने के लिए आए, कोई पाठशाला है, औषधालय है, हैं? लो माने तुमने ये सोचा कि ये है कंगाल और हम इसको देंगे, तो जब तुम देने वाले हो गए और उसको लेने वाला मान लिया, तो अब उससे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है और वो तुमको दे सकता है,
तो बोले महाराज आप तो देने के लिए आए हैं। महत विचलनम पूर्णस्य करवाम किम, अरे महाराज आपकी सेवा मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसी क्या चीज है जिससे आपकी सेवा हो सके। आप तो ईश्वर से एक हो गए, तो ईश्वर की जो सृष्टि उसका जैसे ईश्वर मालिक वैसे आप मालिक, आप तो सारी सृष्टि के स्वामी हैं, आप तो नित्य तृप्त हैं, आप परिपूर्ण हैं, आपकी मैं क्या सेवा करूं। बोले फिर भी आप चल के आए हैं। अब गर्गाचार्य कहें कि भाई अगर हमको कुछ लेना देना न होता तो आखिर हम अपनी कुटिया छोड़ करके तुम्हारे महल में क्यों आते। अब नंद तो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, और गर्गाचार्य अगर कहें कि नहीं भाई हमको कुछ चाहिए तभी तो आए हैं, तो नंद बाबा बोलते हैं महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। ये महापुरुष जब अपनी कुटिया से चल के कहीं जाते हैं तो मनुष्य का कल्याण करने के लिए जाते हैं। बोले वो मनुष्य ही क्यों नहीं आया, बोले वो तो घर बना के पकड़ बैठा हुआ है। गृह है गृह 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 माने गृह माने जो ग्रहण कर ले जो पकड़ ले। गृहणाति गृहणाति यदि गृहम जो ग्रहण कर ले तो गृह ऐसा पकड़ता है कि सात समुन्दर पार चले जाओ तो वहां से हवाई जहाज से बुला ले। ऐसी रस्सी महाराज घर की ऐसी रस्सी होती इसी को गृह बोलते हैं। बोले नहीं हमारे कोई रस्सी वस्सी नहीं है। कहता तब चले जाओ हमेशा के लिए, बस हमारा घर छुड़ाना चाहते हो महाराज, बड़े भारी उपदेशक बने हो है ना। अरे भाई बंधे हुए हो वहाँ, उड़ उड़ के चिड़िया फिर वहीं आती है। तो घर बना के बैठे हैं। बोले अरे भाई फिर भी महात्मा का दर्शन करने के लिए सत्संग करने के लिए तो जाना चाहिए। बोले दीन चेतसा, इनका चित्त दीन हो गया। दीन हो गया माने ये सोचते हैं कि अगर हम सत्संग में चले जाएंगे तो हमारे घर का ये काम बिगड़ जाएगा, बेटा ये काम बिगाड़ देगा, नौकर ये काम बिगाड़ देगा, घर वाली ये काम बिगाड़ देगी, ये पैदा नहीं होगी। तो दीन चेतसा, उनके चित्त में दीनता है कि अगर हम छोड़ के चले गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो ये मनुष्यों का कल्याण, खास करके मनुष्यों में से घर गृहस्थियों का, और घर गृहस्थियों में से जो बेचारे एक घंटे के लिए भी अपना घर नहीं छोड़ सकते, उनके निश्रेयस के लिए आप हमारे घर में आए हैं। अभी बड़ी बढ़िया बात कीते हो। आगे नंद बाबा जसोदा मैया श्री कृष्ण को और बलराम जी को गोद में लेकर के आने वाले हैं। जसोदा मैया और रोहिणी आवेंगे और गर्गाचार्य अपने गोद में लेकर के, और भाई क्या जरा कम दिखता है ऐसे बोलेंगे, जरा कम दिखता है ये, जरा और पास को ले आओ। और झट सिर से छू लेते हैं, सूंघ लेते हैं, चूम लेते हैं। तो ये अब लीला जो आगे आने वाली है ना वो कल सुनाएंगे।